ठीक है। तो इस बेसिस पे, इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी मेरा ही होना है, तो क्यों ना मैं आज इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को एज अ गिफ्ट दे दूं। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, यानी आप गिफ्ट के माध्यम से केवल उसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो जिस पे आपका ओनरशिप एग्जिस्ट करता है। सी डी पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है किसका, ए का। तो जो पार्ट ऑफ गिफ्ट है कंप्राइजिंग ऑफ लैंड ऑफ बी सी डी, वो क्या होगा, वो इतना पार्ट ऑफ लैंड एज ए गिफ्ट क्या होगा, वैलिड होगा। और ये जो लेटर पार्ट है जो कि फ्यूचर प्रॉपर्टी है जिसपे फ्यूचर में आपका ओनरशिप होना है लेकिन आप एट प्रेजेंट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 124 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने चैप्टर 7 के सेक्शन 122 और 123 को कवर कर लिया है विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उन दोनों सेक्शंस को देख सकते हैं, तब ये टॉपिक आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। चलिए, सेक्शन 124 कहता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि गिफ्ट में हम बेसिकली दो तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। लेकिन जब हम सेक्शन 124 को देखते हैं तो ये दो और तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, एक एग्जिस्टिंग और दूसरा फ्यूचर प्रॉपर्टी। क्लियर है? देखो, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग का मतलब है प्रॉपर्टी विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहा है और जिसके ऊपर आपका ओनरशिप है एट प्रेजेंट, कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आपका है और जिसके ऊपर ओनरशिप आपका है उसे हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। और फ्यूचर प्रॉपर्टी मीन्स एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर वो आपका होगा और आप उस पर ओनरशिप इम्पोज करोगे अपना। तो फ्यूचर प्रॉपर्टी करेंटली इज नॉट योर प्रॉपर्टी, वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर आपका ओनरशिप नहीं है। इन फ्यूचर आपका उस पर ओनरशिप हो सकता है। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रोविजंस को होल्ड करता है सेक्शन 124 और ये कहता है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, और अगर हम फ्यूचर प्रॉपर्टी को जिसपे एट प्रेजेंट हमारा ओनरशिप नहीं है अगर हम उसे गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहें तो क्या वो वैलिड होगा, इसी के बारे में हमें इस सेक्शन में समझना है। चलिए देखो क्या कह रहा है, इफ यू आर ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन थ्रू गिफ्ट इट इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन। यानी अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसपे आपका ओनरशिप है एट प्रेजेंट, आप उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हो, इट इज वैलिड ट्रांजैक्शन। ये क्या है, ये वैलिड है। लेकिन अब फ्यूचर प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में क्या है, देखो, इफ डोनर इज मेकिंग गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर करेंटली, यदि डोनर उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को जिस प्रॉपर्टी का वो ओनर एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बट ही विल गेट ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर, देन गिफ्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज वॉइड। ठीक है, तो इस बेसिस पे, इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी मेरा ही होना है, तो क्यों ना मैं आज इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को
एज अ गिफ्ट दे दूं, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। यानी आप गिफ्ट के माध्यम से केवल उसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो जिस पे आपका ओनरशिप एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ओनली गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज वैलिड, वो क्या है, वही वैलिड है। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज इनवैलिड, क्या है, इनवैलिड है। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है गिफ्ट कॉम्प्राइजिंग ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी लेटर पार्ट इज वॉइड। यानी कह रहा है कि मान लो कोई ऐसा गिफ्ट है जो एग्जिस्टिंग भी है और फ्यूचर प्रॉपर्टी भी है, तो अगर हम उसे एज ए गिफ्ट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो लेटर पार्ट है यानी जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वॉइड होगा। एग्जांपल हम देखते हैं तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक, ये बी सी डी एंड ई, बी सी डी ने सोल्ड देयर लैंड टू ए, बी सी और डी ने अपने लैंड को अपने फील्ड को किसे बेचा है, ए को बेच दिया है। तो फील्ड ऑफ बी सी एंड डी, देखो फील्ड ऑफ बी सी एंड डी इज नाउ क्या है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, किसका है, ऑफ ए, ए का है। क्यों, क्योंकि ए नाउ पॉसेस ओनरशिप ओवर लैंड ऑफ बी सी एंड डी। क्लियर? अब मान लो मैंने तीन लोगों के बारे में बात कहा, एक बी सी डी, ठीक। अब मान लो ए गिफ्टेड फील्ड ऑफ बी सी डी अलोंग विथ फील्ड ऑफ ई टू एफ। अब मान लो ए ने बी सी और डी के फील्ड को एज ए गिफ्ट देता है टू एफ अलोंग विथ फील्ड ऑफ ई, इस होप से कि देखो बी सी डी ने तो अपना फील्ड मुझे बेच दिया है तो आज नहीं तो कल मजबूरी में ई भी अपने इस फील्ड को मुझे ही बेचेगा। तो इस होप के साथ, इस एजम्पशन के साथ मिस्टर ए क्या कर रहा है, बी सी डी के फील्ड को अलोंग विथ फील्ड ऑफ ई किसे ट्रांसफर कर रहा है, एज ए गिफ्ट एफ को ट्रांसफर कर रहा है। नाउ देखो ये क्या है, ये तो है फ्यूचर प्रॉपर्टी, फील्ड ऑफ ई इज फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ ए, ठीक है। आगे कह रहा है देखो, तो यदि ए ऐसा करता है देन गिफ्ट ऑफ फील्ड कॉम्प्राइजिंग ऑफ लैंड ऑफ बी सी डी टू एफ बिकम वैलिड। तो एफ को इसने फील्ड दिया है ना, किसका किसका फील्ड दिया है, बी का, सी का, डी का और ई का। बी सी डी पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है किसका, ए का। तो जो पार्ट ऑफ गिफ्ट है कंप्राइजिंग ऑफ लैंड ऑफ बी सी डी वो क्या होगा, वो इतना पार्ट ऑफ लैंड एज ए गिफ्ट क्या होगा, वैलिड होगा। और ये जो लेटर पार्ट है जो कि फ्यूचर प्रॉपर्टी है जिसपे फ्यूचर में आपका ओनरशिप होना है लेकिन आप एट प्रेजेंट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो एज ए गिफ्ट, तो क्योंकि एट प्रेजेंट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लैंड सो आपके पास राइट नहीं है कि आप इसे एज ए गिफ्ट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करोगे। तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और बाकी ये जो पार्ट है क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ फील्ड कॉम्प्राइजिंग लैंड ऑफ बी सी एंड डी टू एफ इज वैलिड बट फील्ड ऑफ ई टू एफ एज गिफ्ट बाय ए बिकम वॉइड, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने इस डिस्कशन को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोनर है वो केवल उसी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर कर सकता है जिसपे वो ओनरशिप करंटली होल्ड करता हो।
अगर वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो भले ही ये पॉसिबिलिटी रहे कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी मुझे आनी है, वो एज अ गिफ्ट उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको सेक्शन 124 आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।